अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इफ पी इज इक्वल्स टू गिवन मैट्राइसिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3:3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 4, देन अल्फा इज इक्वल्स टू. हमें पी एक मैट्राइसिस दिया गया है जिसकी वैल्यू है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4. हमें दिया गया है कि P इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A, और हमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 4. यहां पे हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और मैट्राइसिस की प्रॉपर्टी दोनों यूज करनी पड़ेगी. हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A की पावर n माइनस 1. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A की पावर n माइनस 1. यहां पे n इसका ऑर्डर है. हमें पता है कि n 3:3 है, तो n क्या होगा 3. तो हम n की जगह 3 पुट करते हैं और मॉड्यूलस A की जगह 4. तो 4 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16. अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A निकालते हैं. इसकी वैल्यू आती है 6 + 3 × 4 − 6 = 16. यहां पे हम इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू 0 आती है, ये आता है 2 अल्फा, और ये आता है हमारा −6. 2 अल्फा − 6 = 16. यहां से हमें पता चलता है कि 2 अल्फा = 22. अल्फा की वैल्यू हमारी 11 आती है, जो कि हमें ऑप्शन में दी गई है. अल्फा इज इक्वल टू 11 इज द राइट आंसर.